आफ्टरनून टीचर, माय नेम इज प्रथम वर्मा। आज मैं आपको सांप की स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक जंगल में एक सांप की फैमिली रहती थी। दो बच्चे थे उससे, एक उत्था रहता था, मतलब सांप दूसरा रहता था। बाहर उठते सांप खेलता भी था, सांप दूसरा भी रहता था, और दूसरा सांप तो खेलता भी था पर सांप दूसरा नहीं करता था अपने आप को। फिर ना वो और घंटा होते गया, और फिर एक दिन जब वो ना बड़े होके ना जब अपना हाथ खोलते ना एक दिन, तो फिर ना उत्तो ना खुद दिखाई नहीं देता, खुजली होती है अपने तीन में। और फिर वो ना रोने रहते लगता है। फिर ना वो अपने पापा के पास जाते हैं ना, तो ना टकराते रहते हैं इधर उधर। और फिर ना उत्तो ना जब देखते हैं ना उसके पापा, तो बहुत तरह चोटें लगे रहती है। फिर अपने अपने वो पूछते अपने बेटे थे कि ना क्या हो गया करके ना, तो फिर ना वो बोल अपने पापा से बोलते कि ना मेरे को ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को ना खुजली भी होती है और ना वो होता है लगता भी है इसी कारण। तो फिर ना उसके पापा जवाब देते कि ना तुम अपने आप को ताप तुथरा नहीं रखते, इसलिए आप तेरे को ये सब होता है करके। तो फिर ना उसके पापा ना उतो ना वो कहते हैं अप वो ना गिट्टी रखा रहते ना वहाँ पर पार्टी में, तो ना उतने ना उतने अपने बेटे का ना तीन को लगड़ाते हैं। और फिर ना तो फिर वो ना ताप तुथरा रहता है, और फिर ना वो ना तो खुजली भी नहीं होती है, लगड़ाता भी नहीं है, अच्छे दिखता भी है। तो फिर ना वो ना अपने पापा को थैंक यू बोलते करके, ठीक है थैंक यू बोलते। फिर ना इतना ये शिक्षा मिलती है कि ना बड़े लोग की बात सुनना चाहिए, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। थैंक यू टीचर मेरी स्टोरी सुनने के लिए।